जी, किसानों के लिए जो इन्होंने बातें रखी हैं पटल पर, वो आपने पढ़ ली होगी। मैं एक बार बताई देती हूँ, 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन, निजी नलकूपों के लिए 1950 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984,54,00,000 रुपए, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना 100 करोड़ रुपए, दलहन और तिलहन बीज मिनी किट वितरण योजना 15-15 करोड़ रुपए। क्या कमी है इसमें? काजोल जी जरा रुकिएगा, आप ये बताइए, हमारा उत्तर प्रदेश किसानों युवाओं का प्रदेश, बिल्कुल 75 जिले 18 मंडल, आप इस बात को समझिए। आप हमारे सुख की बात कर रहे हैं, आप मतलब सरकार, और हमें मजा ही नहीं आ रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। पिछले 2-3 सालों से हम जो संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे है, मैं किसान का बेटा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मेरा नाम ले लीजिए, मेरा जिला मिर्जापुर ले लीजिए, मेरी तहसील ले लीजिए, मेरी खतौनी निकाल लीजिए। मैं टीवी वाला किसान नहीं हूँ, मैं किसान बेटा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव में खाद नहीं है, यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है, बीज नहीं है। अंकित जी नोट करिएगा, वहाँ पे केंद्र प्रभारी वहाँ पे नहीं है, क्रय केंद्र नहीं खुल रहे हैं। इन विषयों देखिए, आप सरकार एक एक बहुत ताम्बो पैक होती है, कई विषयों को मिला के एक समावेश होता है। एक बजट बता देने से, बड़े बड़े जादुई आंकड़े प्रस्तुत कर देने से, और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बधाई देना चाहता हूं कि ये और कुछ जानते हो चाहे न जानते हो, ये भारी भरकम क्लिष्ट हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके बहुत बड़े बड़े कार्ययोजना बनाते हैं। अमृतकाल, किसान स्वर्णिम योजना, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी ऐसी बातें, जैसे लगता है इनके बोलने से लगता है कि वाह हम तो सपने में आ गए, पूरा दिखने लगता है, एक ऐसा फील गुड होता है। लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद नॉर्मल होते हैं तो महसूस होता है कुछ है ही नहीं साहब, फिर से हम वहीं पे हैं। ठीक है, आप बताइए, आपने नलकूप की बात की, आपने नलकूप की बात की, मैं किसान का बेटा हूँ, हमारे यहाँ बिजली इतनी महंगी है, जेई फोरमैन लाइनमैन एसडीओ आकर के सचल दस्तावेज पे चल रहे हैं और किसानों को थोड़े थोड़े बकाए पर बिजली कटौती कर दे रहे हैं और उन्हें आत्महत्या करने में मजबूर कर दे रहे हैं, उन्हें धर पकड़ कर रहे हैं, उनको उनका मान मर्दन कर रहे हैं। कितने पे? 20,000 पे, 10,000 पे, 15,000 पे, इतने कम अमाउंट पे आरसी कटवा दे रहे हैं। और किसान स्वाभिमानी जात है, वो समाज में इसको रहना है। ठीक है, विपक्ष ने बहुत सारे सवाल दाग दिए हैं तो जवाब भी ले लेते हैं। अंकित जी, विपक्ष भारी पड़ रहा है। काजोल जी, विपक्ष पे कुछ कहने को है ही नहीं, इतना कुछ तो कह दिया, आधे घंटे से विपक्ष कह रहा है, अब क्या बचा है कहने के लिए? मैं बता रहा हूँ, इनका जवाब जनता ने दे दिया है। ये कहीं नहीं है, जिस लोकदल के ये राष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है सर, उसी लोकदल को उन्हीं के घर में, चाहे वो बागपत हो या मुजफ्फरनगर हो, हार का सामना करना पड़ा। पहली चीज, बिल्कुल स्वीकार है, स्वीकार है। दूसरा विषय, आप लोग बात करते हैं किसान, किस किसान की आप बात करते हैं? उसी नौजवान ने सबसे ज्यादा परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है। पटेल जी, मैं बोल लू, आप जब बोले मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आपके उंगली बिल्कुल उठी हुई है, मैं भी देख रहा हूँ, जनता भी देख रही है, तो इसीलिए आप बाद में बोलना, पहले अपना विषय में पूरा कर। अपने आरोप लगाए, आप देखिए डबल इंजन की ऐसी सरकार, जहां प्रदेश में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी है, किसी सरकार ने सैनिकों के लिए प्रत्येक जिलों में सैनिक स्कूल खोलने की कोई योजना बनाई ताकि गरीब के बच्चे भी शिक्षा ले चुके।